हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ओशन। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 जो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एनसीईआरटी की बुक्स में ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम है, लैंग्वेज अलग हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैप्टर बहुत लंबा था इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट्स करके दिस वन इज़ बेसिकली द फर्स्ट पार्ट। सो ये जो चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड तो है ही है लेकिन साथ में बहुत डेफिनेशंस भी हैं इस चैप्टर में जो हमें अच्छे से समझनी भी हैं। सो फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो फूड मतलब खाना जो हम खा रहे हैं, प्रोडक्शन मतलब वो प्रोड्यूस कैसे होता है, वो बनता कैसे, और मैनेजमेंट मतलब वो मैनेज कैसे होता है, अलग अलग हिस्सों तक वो कैसे पहुंच रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अब जो नाम देना चाहो आप दे सकते हो, मतलब जो भी खाना आप खा रहे हो वो कैसे, वो तो पहली बात तो वो प्रोड्यूस कैसे हुआ, पहली बात वो बना कैसे, दूसरा वो मैनेजमेंट उसका कैसे हुआ, उसको हमने मैनेज कैसे किया, वो अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा कैसे। सो गाइज यही चैप्टर है, इसमें हमें यही कुछ पढ़ना है, सबसे पहले कि शुरुआत कैसे होती है खाना बनाने, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसकी वो बनता कैसे है, और जो अलग अलग उसमें प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ें भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से पोल्ट्रीज के बारे में, फिशरीज के बारे में, जो भी खाना हम खा रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट था, ये फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। सो इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, बहुत इफेक्टिव वे से हम करेंगे इस चैप्टर को। सो फर्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। सिंपल सा मतलब होता है एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी करना। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, यानी जो हम वो करते हैं, फसलें उगाते हैं। सो एग्रीकल्चर यानी खेती। मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर देयर वेरियस नीड्स। सिंस टाइम इमेमोरियल ही हैज इंगेज इन फार्मिंग। इवन टुडे 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर। तो जो हमारे राइटर हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि मैन यानी इंसान प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं हम, उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरतें हमारी निर्भर करती हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम अपने एंशियंट टाइम्स, इमेमोरियल मतलब एंशियंट टाइम्स, जो टाइम पहले बीत चुका है उसकी भी बात करते हैं हम, पुराने वक्त से ही फार्मिंग यानी खेती बाड़ी करने में व्यस्त रहे हैं, मतलब हम हमेशा फार्मिंग करने की सोचते हैं कि हम अपने खाने को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन टुडे अगर 70% हमारी पॉपुलेशन, हम बात करते हैं 70% पॉपुलेशन की, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉपुलेशन जो हमारी 70% है वो एग्रीकल्चर ही कर रही है। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉडर सेंस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यूजफुल टू अस। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर हमारा होता क्या है। तो एग्रीकल्चर सिंपल हम लैंग्वेज में अगर बोलें तो बोल सकते हैं एक, मतलब ब्रॉडर अगर हम उसको क्लासिफाई करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि वो स्टडी है या वो साइंस है, हम किस तरीके से प्लांट प्रोडक्ट को या एनिमल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, दैट इज़ यूजफुल टू अस या यूजफुल टू मैन। इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स बिसाइड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स टू। सो गाइज यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं, आप पहले हल जोतते हो, प्लोइंग करते हो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं और फर्दर प्रोसीजर्स को कंटिन्यू करते हैं। वो यही बोल रहा है कि जो क्रॉप प्लांट्स, मतलब हम प्लांट्स को प्लांट करते हैं यानी क्रॉप करते हैं, उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं या उनको लगाते कैसे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ब्रीडिंग और मैनेजमेंट के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो वर्ड जो एग्रीकल्चर है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड एगर दैट इज फील्ड एंड कल्चरा दैट इज कल्टिवेशन। सो एगर का मतलब एग्री, मतलब वही है एग्रीकल्चर। सो फील्ड कल्टिवेशन मतलब कि खेतों में फसलें उगाना। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अस विद फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर डेली लाइफ। हम कितने सारे काम करते हैं, कपड़े, जो आप कपड़े लगाते हैं कॉटन के, सिल्क के या कुछ भी, सो कॉटन के कपड़े तो हमारे खेती करने के बाद ही हमें मिलते हैं, सो वो दैट इज़ क्लॉथिंग, फूड जो खाना खा रहे हो। शेल्टर कैसे मिलता है, लकड़ी से बनाते हैं, घास से बनाते हैं, पहले तो जो एक बेस तैयार किया था हमने कि हम लोग अपना शेल्टर, हमारा घर कैसे बनाते हैं, वो तो घास ही बनाया था ना इंसान ने, सो वही बात है कि शेल्टर जो है वो भी उसी से बनता है, और बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ की वो भी हमारे प्लांट्स के थ्रू ही पूरी होती हैं। डू यू नो
A huge population of the world depends upon agriculture as the main source of their livelihood. तो बहुत ज़्यादा population हमारी इस पूरी दुनिया की जो है वो agriculture के ऊपर depend रहती है. Main stay मतलब कि ज़्यादातर लोग, अगर हम this is basically जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, हम जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं. So वहाँ पे भी एक strategy होती है कि हमने किस तरीके से हमारी economy को, हमारा जो एक commercial value उसको increase करना है. ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के लोग भी खेती बाड़ी करना prefer करते हैं. It is a main source of income and employment for people of majority. मतलब बहुत ज़्यादा majority की अगर हम बात करते हैं, वो लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करना पसंद करते हैं, खेती बाड़ी पसंद करते हैं. और ज़्यादातर जो इनकम है, जो लोगों को पैसा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो भी एग्रीकल्चर ही से ही मिलती है. सो एग्रीकल्चर का अब हम क्या बोल सकते हैं एट द प्रेजेंट डेट कि क्या एग्रीकल्चर का काम है. सो हम यहाँ पे बताएंगे कि कितना वो है और किस तरीके से. सो एग्रीकल्चर सस्टेन्स 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन. मतलब हमारे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, 80% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. मतलब कि सस्टेन मतलब कि उसके ऊपर ही है कि एग्रीकल्चर ही उनका भरण भरण जो भी करता है या पालन पोषण जो है वो एग्रीकल्चर से होता है. एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या है, 24.16 लाख हेक्टर्स. सो हेक्टेयर्स जो है वो इतने उनके आधे हैं. फिर जो राइस जो है, मतलब टोटल इतना है राइस यहाँ पे 273.10 हेक्टर्स. फिर मेज़ यानी मक्की जो है 248.21 हेक्टर्स. एरिया ऑन विच व्हीट इज सोन यानी कि गेहूँ जो हम खाते हैं, जिसका हम चपातीज बना के खाते हैं, 298.58 हेक्टर्स. प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रीन्स यानी कि हम बोल सकते हैं क्विंटल्स या जो भी आप बोल सकते हो, क्विंटल्स पर हेक्टर, मतलब एक हेक्टर में कितने क्विंटल्स, तो वो है 13.86. देन इट इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ फूड ग्रीन्स, तो ये कितनी क्विंटल्स. तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कैसी हमारे जम्मू कश्मीर की ही अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा अमाउंट में हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है. द एग्रीकल्चर एज वी नो इज टुडे कुड नॉट हैव अराइजन सडनली. जो एग्रीकल्चर जो आज हम इतनी ट्रैक्टर्स, मशीनरीज बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसी शुरुआत से नहीं थी. ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट द मैन स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एज ही लर्न टू कंट्रोल फायर, डेवलप टूल मेकिंग, बिगिन टू बिल्ड हाउसेज फॉर शेल्टर एंड थॉट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग. एग्रीकल्चर ओरिजिनेटेड 7,000 to 13,000 years ago. तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जैसा एग्रीकल्चर आ जाए वो शुरू से ऐसा नहीं था, उसको टाइम लगा थोड़ा. अगर ये ऑब्जर्वेशन करें साइंटिस्ट या हिस्टोरियंस, तो वो बोल सकते हैं कि जो कल्टीवेशन थी प्लांट की, या हमने जो आग जलाई, या हमने टूल मेकिंग यानी जो हम जिनसे प्लोइंग करते हैं वो टूल्स बनाए, फिर हाउसेस बनाए, शेल्टर बनाए, और सोचा कि हम एक जगह सेटल होने के बाद वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी करें, शायद वो एक बेस था जिसके बावजूद हम लोग आज कल्टीवेशन करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो एग्रीकल्चर था ये 7,000 या 13,000 years पहले स्टार्ट हो चुका था. The fertility of soil and the availability of plenty of water are the best suited conditions for raising crops. हमारी मिट्टी का उपजाऊ होना, वहाँ पर भरपूर पानी होना कि फसलें अच्छे से उग सकें, ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बेस्ट सूटेड कंडीशंस भी हैं उगने वाली क्रॉप्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दिस चैप्टर. जो हम मेन हमारे जो क्रॉप्स आएंगे, जो हम डे टू डे लाइफ में नहीं देखते, उनके मैं पिक्चर्स आपको हमारे स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगी. बीच में जैसे मैं नाम लूँगी तो वो आ जाएंगे. सो सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स. सो पहला है कि जो हमें दालें, सॉरी, जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं, जो ग्रेन्स मतलब कि यहाँ पे उन्होंने टाइप बताइए क्या है और कुछ उनकी एग्जांपल्स बताई हैं. सो सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स यानी कि वो हमें जो भी ग्रेन्स मिलते हैं या दाने मिलते हैं, वो सीरियल्स यानी कि जैसे राइस में जो हमारा अनाज में आता है उसकी बात करें, तो उसमें राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी चीज़ें आती हैं. इनकी जो पिक्चर है मैं आपको बता देती हूँ. सो फाइबर क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स जो हम फाइबर यानी कि जैसे कपड़ा मिलता है हमें, फाइबर मतलब क्या हो गया, कपड़ा मिलेगा या तो जो उसका धागा होता है वो मिलेगा, दैट इज़ अ फैब्रिक. कपड़ा फैब्रिक हो गया, फाइबर हो गया, तो छोटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा. पल्सिस यानी कि दालें, ग्राम्स, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स, पीस बीन्स. सो ग्राम्स यानी सिंपल ग्राम्स, जो वाइट ग्राम्स भी आते हैं, सिंपल वाले वाइट ग्राम्स आते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं छोले अपनी लैंग्वेज में. और उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे वाले ग्राम्स, जो हम चने बनाते हैं जब हमारे नवरात्रि में भी वाले चने देते हैं, याद होगा आपको. सो ग्राम्स जो छोले भटूरे हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं खाना, वो वाले ग्राम्स, और वो ग्राम्स. रेड ग्राम्स जिसको हम राजमा बोलते हैं, ब्लैक ग्राम हो गया जिसको हम माँ चने की दाल में बना के खाते हैं ना, वो जो ब्लैक ब्लैक सा होता है वो हो गया ब्लैक ग्राम. ग्रीन ग्राम हो गया, ये सारे ग्राम्स बेसिकली दालों के इन्होंने नाम बताए
बताए हैं इनका प्रेफर इन्होंने मतलब इतना एक्यूरेट नहीं बताया, बस इन्होंने बताया कि इनको हम क्या क्या बोलेंगे। तो ग्रीन ग्राम अगर हम नेट में भी सर्च मारेंगे, कहीं भी सोशल साइट में भी सर्च मारेंगे, तो हमें क्या ही मिलेगा? ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम का मतलब क्या हो गया? जो हम साबुत मूंगी खाते वो ग्रीन कलर की, वो भी देन लेंटिल्स यानी कि जो सभी हमारी जो लेग्यूम से मिलते हैं, लेग्यूम तो पता ही होगा फलीदार जो हो गया, फिर है पीज यानी कि मटर, और बीन्स यानी कि जो हम खाते हैं, पता है ना बीन्स खाते हैं जो हम पोटैटोज़ और बीन्स खाते हैं, उनके भी बीच में से कुछ हमारे पल्सेस निकलते हैं। फिर है ऑयल सीड, तो ऑयल सीड में अगर हम बात करते हैं तो मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल जो हम लगाते हैं, सरसों फूल लगते हैं जिसके फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के। फिर है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट जिसको हम खाते हैं मूँगफली। फिर है सनफ्लावर, सनफ्लावर तो आपको पता है कि हम घरों में भी उगाते हैं। तिल, तिल छोटे छोटे से होते हैं जो हम खाते हैं, भी भून के खाते हैं सर्दियों में ज़्यादातर, उसमें हम गुड़ वगैरह डाल के खाते हैं। सो रूट क्रॉस, जो रूट के थ्रू, अब स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो तो खाते ही हम लोग जो रोस्ट करके खाते हैं, वो कैसा होता है स्वीट पोटैटो? जो कि रूट के थ्रू ग्रो करता है। फिर है ट्यूबर क्रॉप्स, तो वो आएगी अ शॉर्ट थिकन फ्लेशी पार्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट डेवलप्स फ्रॉम आइस बर्ड्स दैट इज अ ट्यूब्स। तो बोल सकते हैं कि ट्यूबर के थ्रू वो करती हैं। ये हमने 7th क्लास में पूरा डिटेल में भी पढ़ा था इन सभी क्रॉप्स के बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर्स में। सो जो एक शॉर्ट यानी छोटा सा ये होता है, जैसे पोटैटो टैपियोका आपने देखा होगा, टैपियोका वो होता है जैसे हम साबूदाने की खीर बनाते हैं, साबूदाने की खीर बनती है, सो वो होता है टैपियोका। इट इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक पोटैटो, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। उसको भी छोटे छोटे बॉल्स बना के उनका बनाते हैं साबूदाना, वो हो गया। फिर आ गया हमारा शुगर क्रॉप्स, तो शुगर क्रॉप्स मतलब जिनसे हमें क्या मिलती है? शुगर मिलती है। फर्स्ट वन इज शुगर केन यानी कि गन्ना, ये तो हमें पता ही है। बीट रूट यानी कि चुकंदर, जो हमारा डार्क रेड या मैरून या बहुत ज़्यादा डार्क पिंक में भी आता है। प्लांटेशन क्रॉप जिनसे हमें पैसा कमाने को मिलता है, जो बड़े बड़े ऐसे खेतों में ना इस टाइप में होते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादातर होते हैं। कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट। एसएसटी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हमने ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, ये सारे, ठीक है। फिर है फर्टिलिटी, हमने टॉपिक पढ़ लिया। इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप विद अ गुड यील्ड, अगर हम चाहते हैं हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी उसकी पैदावार हो, तो एक फार्मर को बहुत ज़्यादा सडन स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं होता फार्मर गया बस सीड फेराए बस उसको कर दिया। आप जैसे मक्की का अभी सीजन चल रहा है, बेसिकली जब हम वीडियो बनाते हैं मक्की का ही सीजन चल रहा है, अभी हम मक्की खाते हैं, तो क्या आप लोग ऐसे ही कर देते हो बस मक्की के जो बीज थे उनको ब्रॉडकास्ट किया, बस स्कैटर फेंका ऐसे और चलिए भाई हम मक्की इंजॉय करेंगे थोड़े महीनों के बाद? ऐसा तो नहीं होता। फार्मर्स को मेहनत लगती है, वो प्रॉपर प्लोइंग करते हैं, उसमें प्रॉपर बीज को बाहर निकालते हैं, फिर जाके मक्की खाने को मिलती है। ऐसे तो नहीं मिलती फिर जाके कहीं हमें चपाती मिलती है, अगर प्रॉपर केयर करते हैं। सो कल्टिवेशन, ड्यूरिंग कल्टिवेशन राइट फ्रॉम सोइंग सीड्स टू हार्वेस्टिंग इंप्रूव टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस हाई यील्ड्स, बेटर क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज। सो हम बोल सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं सभी चीज़ों की वेराइटीज सो अगर हम एक अच्छी क्रॉप को, एक अच्छी पैदावार वाली फसल उगाना चाहते हैं, एक फार्मर जो है उसको बहुत काम करने पड़ते हैं इसमें, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कल्टीवेशन मतलब कि सिर्फ बीज बोना काफ़ी नहीं होता, उसकी देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम ज़्यादा यील्ड्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे मिलती है हम लोगों को। अब जो लोग ट्रैक्टर्स के थ्रू ही अपनी फैमिली को नरिश करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट कि फसलें उगे, और जो हमारे फार्मर्स हैं वो उनको आगे एम्प्लॉयमेंट ही किस्म के देते हैं कि वो लोग आगे आके उनकी जो फसलें हैं उनको प्लोइंग में हेल्प करते हैं, और उनको मनी यानी कि पैसा वहाँ से मिलता है, वहीं से तो उनकी जो ऑक्यूपेशन है उनका वही तो ऑक्यूपेशन है। सो इसी तरीके से हमारी अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं, बोलते हैं हाई ब्रीड का है या गुड क्वालिटी सीड है, इसमें आपको कीड़ा देखने को नहीं मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें आती हैं क्रॉप प्लांट्स। अब किस तरीके से हम प्लांट्स को क्रॉप कर सकते हैं यानी लगा सकते हैं? मैनी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन वास्ट फील्ड सिंस दे आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट्स। बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अच्छी स्केल में, बहुत अमाउंट में, बड़ी बड़ी खेतियों में जो फील्ड होती हैं उसमें करते हैं, क्योंकि वो बहुत अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। आज मैंने क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक भी दिन बिना किसी कारण के कोई चपाती ना खाऊँ? अगर बिकॉज आई एम अ किड, अभी मैं मतलब एक किड ही हूँ तो मैं क्या हूँ कि मैं क्या करूँगी रोज़ चपाती खाऊँगी? मैंने आज भी चपाती खानी है, कल भी खानी है, परसों भी खाऊँगी, और इन द फर्दर डेज मैं खाऊँगी, तो मतलब कि वो मैं डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रही हूँ। सो प्लांट्स ग्रो इन फील्ड आर नोन एज
क्रॉप प्लांट्स और सिंपली क्रॉप, तो मतलब कि यही जो क्रॉप्स हैं, यही जो फसलें हैं, हम इनको ज़्यादा यील्ड में उगाते हैं। आपने देखा कभी किसी के किचन गार्डन में किसी इंसान ने मक्की लगाई, चलो मक्की तो चलो एक दो हम लोगों ने अपनी खुशी से लगाई, किसी ने वहाँ पर क्या लगा दी, मेज़ लगा दी, मेज़ तो हम लगाएंगे, वही हो गई मक्की। या फिर आपने कभी ऐसा देखा कि किसी भी इंसान ने अपनी जो मतलब किचन गार्डन है वहाँ पर वीट उगाया, नहीं उगाया, क्यों नहीं उगाया, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में जीवन में रोज़ कंज्यूम करना है। देयर आर वाइड वेराइटीज़ ऑफ यूजफुल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, बहुत ज़्यादा होती हैं, राइस, वीट, बारले, बहुत ज़्यादा कॉमन सीरियल क्रॉप्स हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। दे फॉर्म द स्टेपल फूड ऑन विच मैनकाइंड हैज़ बिल्ड इट्स सिविलाइजेशन, जो भी सिविलाइजेशन बिल्ड हुई है अभी तक वो क्या थी, स्टेपल फूड मतलब जो हम रोज़ खा रहे, रोज़ हमारा एक है, मतलब जैसे तमिलनाडु है वहाँ पर राइस होता है और फिश होती है, तो वो लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ पे जो कुछ मेन क्रॉप्स होती हैं जैसे कि चपाती हो गई, दाल, सब्जी, ये सब खाते हैं हम लोग, प्रेफर करते हैं जम्मू कश्मीर में। सो क्या होता है कि इंडिया क्या प्रोड्यूस करता है, 150 मिलियन टन ऑफ राइस, वीट एंड अदर सीरियल्स एवरी ईयर टू फीड हर मोर देन 1000 मिलियन पीपल, यानी कि 150 मिलियन टन ऑफ राइस, वीट और बहुत ज़्यादा सीरियल्स या दालें जिनको बोलते हो अनाज, वो क्या करता है, इंडिया प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे हर किस पे लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमने उनका प्रनाउन एज इंडिया को यूज़ कर दिया, देन मोर देन 100 मिलियन पीपल, हमारी तादाद कितनी ज़्यादा और ये प्रोडक्शन उसके मुकाबले कितनी कम है, इसका मतलब कि ओवर पॉपुलेशन तो हो ही रही है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया लिस्टेड इन टेबल 6.1, जो टेबल 6.1 यही था जो हमने डिस्कशन की थी, जिसके बारे में ऊपर जो हम प्रॉपरली हमने डिस्कस किया था जिस टेबल को। फिर है मेन क्रॉप ग्रोन इन J&K स्टेट, सो हम इसको अपने बेसिस पे भी रीड कर सकते हैं, हम अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं। स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज इज राइस विच इज ग्रोन इन कुलगाम, आरसपुरा, कठुआ, उधमपुर, भदरवाह, रियासी एंड किश्तवाड़। मैं बता देती हूँ ये बहुत ज़्यादा इसमें है जो जम्मू में रहते हैं उनको पता होगा रियासी ये सब चीज़ों के बारे में। सो स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी, जो कश्मीरी लोग हैं वहाँ पे राइस खाते हैं, जो कुलगाम, आरसपुरा, कठुआ, उधमपुर, भदरवाह, रियासी और किश्तवाड़ में उगाया जाता है। कोस्टल फाइन वैरायटीज ऑफ राइस आर सोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे हम क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं। हम जैसे राजौरी में चले जाएंगे, हम जहाँ पे शाहदरा शरीफ है राजौरी में चले जाएंगे, वहाँ पे हमें गिज्जा चावल मिलते हैं, जहाँ पे वो खाना खिलाते हैं वहाँ पे भी वो देखने को मिलते हैं। अब रियासी में चले जाएंगे तो हम पे अलग वैरायटी आएगी, अलग अलग एरियाज में अलग अलग वैरायटीज़ को उगाया जाता है। सो इन जम्मू रीजन 15,159,000 एकर्स जो हमारी लैंड है ये राइस कल्टीवेशन के अंडर है, और कश्मीर में 37 मतलब कि 374,000 एकड़ जो है वो कल्टीवेशन के अंडर है। तो मतलब यील्ड पर एरिया अगर हम बात करते हैं तो 13 क्विंटल्स है जम्मू में और 15 क्विंटल्स कश्मीर में। तो ये कश्मीर वैली में कुलगाम तहसील जो है ज़्यादातर राइस बोल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। किसको बोला जाता है, कुलगाम तहसील है जिसको राइस बोल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। वीट, तो वीट है, इट इज़ सोन इन जम्मू रीजन एक्सटेंसिवली फॉर इट फॉर्म्स द स्टेपल फूड ऑफ लोकल पीपल। तो जम्मू रीजन की अगर हम बात करें वहाँ पर, इफ आई एम फ्रॉम जम्मू रीजन तो मैं क्या करूँगी, वीट को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, चपाती खाऊँगी उसकी। कठुआ, आरसपुरा, सांबा, रियासी, यहाँ पर ज़्यादातर ये उगाई जाती है और कल्टिवेशन है 331 एकर्स इन जम्मू एंड 78,000 एकर्स इन कश्मीर एंड 7,000 एकर्स इन लद्दाख। बेसिकली अभी लद्दाख तो हमारा पोर्शन, हमारा पार्ट नहीं है हमारी यूनियन टेरेटरी का। देन इज मेज, इन इज कल्टिवेटेड ऑन हाई एलिवेशन वेयर इट रिसीव 75 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल। सो जो मेज है ये 75 से लेके 125 सेंटीमीटर रेनफॉल मांगती है, मतलब उसको उतना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे अच्छी एलिवेशन है, अच्छी बारिश होती है वहीं पे इसको उगा सकते हैं। तो जहाँ पे ये ज़्यादातर उगाई जाती है वो एरियाज हैं किश्तवाड़, भदरवाह, भटोट, बनिहाल, बशोली, पुंछ, रजौरी, केरवास ऑफ कश्मीर। तो ये एरियाज हैं। एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है, 20,91,000 एकर्स जम्मू रीजन में है और 30,3000 एकर्स जो हमारा सॉरी 3,000 एकर्स कश्मीर रीजन में। सो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ नॉट ग्रोन इन लद्दाख, जो हमारा मेज है यानी मक्की है यहाँ पे लद्दाख में ज़्यादा नहीं उगाई जाती बारले। इट इज़ ग्रोन इन किश्तवाड़, डोडा एंड उधमपुर विच आर प्रिंसिपल सेंटर्स इन लद्दाख। अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ बारले का ग्रीम इज ग्रोन, यहाँ पे अलग वेराइटी होती है जिसको ग्रीम बोलते हैं यहाँ के लोग, ज्वार एंड बाजरा। सो ग्रोन एज फॉर एनिमल्स को खिलाते हैं हम ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें। सो मेन एरिया जो है यहाँ पे क्या
हैं कंडी, सांबा, कठुआ, हीरानगर, जम्मू रीजन में ज़्यादातर ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। फिर है पल्सिस यानी कि दालें, ग्रोन इन कठुआ एंड कश्मीर वैली, राजमाश इज ग्रोन इन किश्तवाड़, भदरवा, डोडा, राजौरी एंड बुर। यहाँ पे राजमाश की बात करी गई है, राजमाश हम बहुत खुश होकर खाना पसंद करते हैं। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के लोग की अगर बात करें, शुगरकेन यानी गन्ना ये अखनूर में, कठुआ में, आरसपुरा में जो कि जम्मू रीजन है, और ये ज़्यादातर कश्मीर और लद्दाख में नहीं उगता, क्योंकि गन्ने को यानी शुगरकेन को हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पंजाब में ज़्यादातर ये उगता है, तो अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। भी है ऑयल सीड्स यानी कि मस्टर्ड, शुगर के, सॉरी दैट वन इज देयर सनफ्लावर, ये सब चीज़ें। द चीफ वेराइटीज ऑफ ऑयल सीड्स ग्रोन आर मस्टर्ड, लिनसीड, मस्टर्ड, लिनसीड, कॉटन सीड, रेप सीड एंड सीसेम। सो बात करते हैं अगर हम इन सभी सीड्स की, सो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के जानना कि होते क्या हैं। सो होना क्या है इन लोगों का, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, पहला है मस्टर्ड लिनसीड, यानी कि ये मतलब प्लांट, ये किस्म का प्लांट होता है जो कि मस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, जो उसके बीच में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, कॉटन का सीड, रेप सीड। अब रेप सीड क्या होता है, ये भी मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। सीसेम यानी कि तिल, जो हमने बोलते हैं छोटे छोटे होते हैं जिसमें हम उसको भी रोस्ट करके खाते हैं। दे आर ग्रोन ऑल ओवर द स्टेट, चीफ एरियाज बिंग अनंतनाग एंड श्रीनगर। तो ज़्यादातर अनंतनाग और श्रीनगर में ही ये ऑयल सीड को ग्रो किया जाता है। इन एडिशन टू क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप प्लांट यानी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, फ्लावर्स उगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। और क्या इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में सुना हुआ है। हॉटस मतलब गार्डन, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी कि गार्डन कल्टीवेशन, ज़्यादा अमाउंट में इसकी कल्टीवेशन नहीं करते, मतलब जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना कल्टीवेशन करना। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्टीवेशन। सम एग्जांपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया आर गिवन इन टेबल 6.2, यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे है टाइप वेजिटेबल्स, पहला है टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, अनियन, गार्लिक, जिंजर, कैबेज, स्पाइनेज, कलीफ्लावर, मेथी, बीटर गॉर्ड, इनमें से सभी के पौधे आपने ज़्यादातर देखे ही होंगे। फिर फ्रूट्स की बात करते हैं, ये सारे हैं मैंगो, बनाना, ग्रेप, गावा, एप्पल, सिट्रस, प्लम। तो सिट्रस बेसिकली लेमन की भी बात कर सकते हैं, ऑरेंज की भी बात कर सकते हैं, सिट्रस अभी इन्होंने लिख दिया है, सिट्रस फ्रूट हो सकता है। यहाँ पे डेकोरेटिव प्लांट यानी कि जो डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्रोटन हमने देखा हुआ है जिसका वो लीफ का कलर अलग सा होता है, कैक्टस को हम लगाते हैं, और बुगेनविलिया, बुगेनविलिया इज टाइप ऑफ पेपर फ्लावर, यानी कि इसका जो पेटल होता है, जो उसका उसके ऊपर पेटल लगा होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, दैट इज़ लाइक पेपर। तो उसका स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर। सुना फ्लावर्स, रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, तो ये फ्लावर्स हम उगाते हैं। यहाँ पे बुगेनविलिया बेसिकली डेकोरेटिव प्लांट में से ही आता है, लेकिन ये भी एक फ्लावर की कैटेगरी में आता है। अभी है वाल्टर आर लॉरेंस जो थे, उन्होंने कश्मीर को कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैफ्रॉन यानी केसर और फ्रूट्स की कंट्री है, एक जगह है जब ये अलग से थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हों हॉर्टिकल्चर की, इंडिजीनियस मतलब कि स्वदेशी, जो अपना है वो, उनकी फैसिलिटीज़ उन्होंने कहा मैंने कहीं और नहीं देखी अभी तक। और उन्हें बहुत खुशी हुई है सब कुछ देखकर। एप्पल यानी सेब, एप्रिकॉट यानी कि खमानी, जो हम खाते हैं खमानी खाते हैं ना, जो कि पीचेस की तरह होती है बट इट्स बेसिकली येलो इन कलर। सो आलमंड यानी कि हमारे आलमंड क्या होते हैं, बादाम। फिर है रसबरी, रसबरी को रसबरी मतलब रसबरी वाइन या उसको जूस निकाल के पीते होंगे, कुछ ऐसा होता होगा। पियर यानी कि हम खाते हैं पियर, नाशपाती, पीचेस, प्लम्स, मलबरी, मलबरी यानी शहतूत जो कि हमारे एज अ वाइल्ड यहाँ पे हमारे लगता भी है, वॉलनट यानी अखरोट, चेरी। तो ये बहुत डिफिकल्टी के बिना भी यहाँ पे हम उगा सकते हैं, हालांकि बाकी स्टेट में उगाना इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के बिना बहुत मुश्किल है। हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट ऑफ J&K इज वेरी फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पियर्स, चेरीज, प्लम्स, वाइन्स, पोमीग्रेनेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो भी इन्होंने बताए हैं आर ग्रोन इन कश्मीर। तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वदेशी वैराइटीज हैं फ्रूट और फ्लावर के, हमें बाहर से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली कश्मीर, जो कश्मीर में जो फ्रूट्स या फ्लावर्स उगते हैं, एप्पल हो गया, पियर, चेरीज, प्लम्स, वाइन्स यानी क्रीपर्स और क्लाइमेट, जो बेलें होती हैं, जो बेलों पर प्लांट्स उगते हैं, बेल पता ना क्या होती है, जो एक सीधी सी जाती है फिर गोल गोल से होती है, या फिर क्रीपर क्लाइंबर तो बड़ा ही होगा आपने। तो फिर है वॉलनट्स के बारे में, आम, ये सब चीज़ें। तो एप्पल्स यहाँ पे अंबरी वैरायटी, यहाँ पे शुपियाँ तहसील यानी कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में शुपियाँ तहसील है, वहाँ भी फेमस है। एंड मैंगो, गावा, बनाना, ऑरेंजेस, ब्लैक बेरीज आर ग्रोन इन द
प्रिंस ऑफ जम्मू रीजन, ये जम्मू में ही होते हैं। मैंगो देखे कभी आप लोगों ने? मैंगो तो ज़्यादातर हमारे जम्मू से इम्पोर्ट होते हैं जो हमें आते हैं यहाँ पे। फिर है गावा, गावा भी यहीं पे उगता है। बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरी यहीं पे होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे, हम लोग कश्मीर में, हम लोगों को कश्मीर में ज़्यादातर ये देखने को नहीं मिलते। देन तो यही इन्होंने बता दिया, लद्दाख एप्रिकॉट एंड वालनट्स आर ग्रोन ओवर 1000 acres of land, 1000 acres of land मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। सो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी ये उगाए जाते हैं। फ्रूट ज़्यादातर मतलब यहाँ पे आउटसाइड ही, मतलब ज़्यादातर बाहर ही भेजा जाता है। कश्मीरी एप्पल्स आप लोगों ने खाए होंगे इन वेदर, जो भी आप जम्मू में रह रहे हैं, नागपुर में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, लेकिन आपने खाए तो हैं ना वहाँ पे एप्पल्स, कश्मीरी एप्पल्स के बारे में सुना, बहुत रेड रेड होते हैं, ऐसे होते हैं। सो एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट या फ्रेश एंड ड्राई, फ्रेश की भी बात करें, ऐसे एप्पल्स वगैरह हो गए, ऑरेंजेस हो गए, वो मिला के 8,343,000 quintals वहाँ पे जाता है। सैफ्रॉन, जैफ्रॉन और कॉन्ग इज सोन इन पैम्पोर इन कश्मीर रीजन एंड किश्तवाड़ एंड बद्रवा इन जम्मू रीजन। सो बात करें अगर सैफ्रॉन, जैफ्रॉन या कॉन्ग की, अलग अलग भाषाओं में इसको बताया हुआ है, मतलब वो पैम्पोर कश्मीर में रीजन में, किश्तवाड़ और बद्रवा जम्मू रीजन में। फिर पैम्पोर यानी 3,000 acres जो है कल्टिवेशन में, जो कि बहुत वाइल्ड, वेरी स्मॉल क्वान्टिटी इज प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर, जहाँ पे कहीं अगर हम बात करें तो पैम्पोर में, तो ज़्यादातर पैम्पोर में 3,000 acres है। और बात बाकी रीजन्स की करें तो कहीं छोटा, मतलब छोटे मोटे खेतों में ये भी कहीं ना कहीं उगाया जाता है। ये कैश क्रॉप है, यानी कि ज़्यादातर हम इनको बाहर ही बेचते हैं, जिधर एक्सपोर्ट करते हैं। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज़्यादा केसर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, यानी जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू स्टेट की अगर हम बात करें वहीं पर, तो ज़्यादातर होता भी ये हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर में ही है, मतलब सॉरी यूनियन टेरेटरी में है। सो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैफ्रॉन होता है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब बेसिक हमें चाहिए क्या, देर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग अ गुड क्रॉप यील्ड, अच्छी पैदावार वाली फसल के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंडीशन चाहिए, अच्छी सॉइल, अच्छे सीड्स, अच्छा पानी, अच्छे अमाउंट में पानी, उनको देसी या मतलब जो हमारे देसी ऐसी गंदे से या अजीब से जो हमारे वीड्स यानी कि फालतू के प्लांट्स उग जाते हैं बीच में, उनको हटाना चाहिए। पेस्ट यानी कि जो छोटे कीड़े मकोड़े बीच में घूम रहे हैं उनको हटाना चाहिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वालिटी क्रॉप को उगाने के लिए। अच्छी मिट्टी ज़रूरी है। टू ऑब्टेन गुड क्रॉप, क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन लार्ज नंबर्स इन द फील्ड एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड फॉर देयर प्रोड्यूस। यहाँ पे बोलते हैं कि अगर अच्छी क्रॉप उगानी है तो क्रॉप प्लांट्स को लार्ज नंबर्स में फील्ड पे करना चाहिए और उसके बाद उनकी प्रोड्यूस, मतलब कि अगर हमने इतना बड़ा एरिया, हमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया लेना चाहिए और वहीं पर हमारी क्रॉप्स को उगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा पैदावार तो होती है, साथ में मतलब एक बैलेंस बना रहता है कि भाई यहाँ पे आपने उगाई, अगले साल वहीं पे वापस उगा दी, दूसरी मिट्टी में उगाई नहीं, तो वो मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है वी मेजर द यील्ड ऑफ क्रॉप इन किलोग्राम्स एंड टर्न्स पर हेक्टर ऑफ लैंड, अ फील्ड नीड्स टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू यील्ड गुड क्रॉप, सम ऑफ द मेजर्स आर गिवन बिलो। सो फील्ड को अच्छे से हमें मैनेज करना चाहिए कि हम अच्छी क्रॉप को उगा सके, वहाँ पे कुछ मेजर्स नीचे दिए हुए हैं। द फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर अबंडेंटली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें वहाँ पे सनलाइट चाहिए, हवा चाहिए, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो सके, यानी कि प्लांट्स की जो हम उनकी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन हो सके। द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे कैटल, स्ट्रे कैटल होती है जो ऐसी फालतू में गाय बकरियाँ किसी की घूम रही हैं, उनको स्ट्रे कैटल बोलेंगे, ऐसे घूमती रहती है ना, बोलती है हमारी फसलों को इनसे बचा के रखना चाहिए। फिर है ट्रेसपासर्स, जो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना किसी की भी प्रॉपर्टी में, किसी की ज़मीन पे बिना किसी अधिकार के, बिना किसी परमिशन के घुस जाते हैं, तो वो हो गए ट्रेसपासर। तो प्रॉपर अगर बोलेंगे स्ट्रे कैटल को, तो डोमेस्टिक एनिमल्स हु वंडर हियर एंड देयर, एंड ट्रेसपासर्स को बोलें तो बोलेंगे पीपल हु गोइंग टू समवन एल्स प्रॉपर्टी विदाउट एनी परमिशन, उनको हम बोल सकते हैं ट्रेसपास, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। होते ना कुछ लोग ऐसे कि जो दूसरों की क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। द सॉइल शुड बी टर्न बिफोर सोइंग सो दैट द रूट्स ऑफ द यंग प्लांट्स कैन पेनिट्रेट इट ईजिली, तो बोलते हैं कि हम लोगों को उसको टर्न मतलब होता है ब्लो, BLOUGH, ब्लो करना, मतलब कि अच्छे से उनकी पैदावार, मतलब कि उनको अच्छे से जोतना चाहिए ताकि जो रूट्स हैं यंग प्लांट्स यानी न्यू प्लांट्स की, वो अच्छे से वहाँ पे अच्छे से एक्सेस पा सकें, अच्छे से वहाँ पे अपनी कैप्चरिंग कर पाएँ। दिस हेल्प्स द प्लांट टू अल्टीमेटली ऑन द सॉइल, ऑल्सो द रूट्स आर वेल वेंटिलेटेड, वहाँ पे हमें रूट्स को भी अच्छे से वेंटिलेट कर देना चाहिए कि वहाँ पे अच्छी खासी हवा भी आ जाए। फिर है रूट्स और ट्यूबर क्रॉप को अच्छे से लूजेंट, मतलब उनको मतलब कि ज़्यादा टाइट मिट्टी नहीं चाहिए, उनकी थोड़ी ढीली ढीली मिट्टी चाहिए होती है कि ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सकें और अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे हमें सामने निकल के आ सके।
राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल, अच्छा खासा पानी वहाँ पे होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को वहाँ से हमें रिमूव कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि इनकी वजह से ये क्या करते हैं, वीड्स क्या करते हैं, एक जगह पे हमने हमारी जो फसलें हैं उसको उगा दिए, यहाँ पे उसके बीच में ये उग जाएंगे और जो हमारी मिट्टी से हमें क्या मिलने होते हैं न्यूट्रिएंट, जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने थे हमारी जो क्रॉप की उसको वो सारे के सारे ये ले लेते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। और यही थे हमारे इनके बारे में, द सॉइल इज देयरफॉर टर्न्ड ओवर बाय अ फ्यू इंचेस, इसलिए हमें थोड़ा मतलब करना चाहिए कि थोड़ा बहुत हम अंदर तक उसको खुरेद सके, दिस इज डन बाय प्लोइंग और टिलिंग, वही हमें जोतना चाहिए अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा प्लोज यानी कि बहुत ज़्यादा हलों का इस्तेमाल किया जाता है प्लोइंग के लिए, जिस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं एनिमल्स यूज फॉर प्लोइंग द सॉइल, सो दिस गिवन पिक्चर इज देयर, और फिगर भी बोल सकते हैं हम लोग। सॉइल फाउंड इन कश्मीर वैली वैरी फ्रॉम क्ले लोम टू लोम, सो क्ले मतलब कि हम लोमी सॉइल का तो हमें पता ही होता है कि लोमी सॉइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल जिसमें ज़्यादातर इक्वल अमाउंट होता है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा लोमी सॉइल में थोड़ा सा ज़्यादा क्ले आ जाए तो हम उसको बोल सकते हैं, तो टू मतलब क्ले भी होती है लोमी भी होती है। 8 टाइप्स हम प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग गुरटू बेहिल सेकिल सूर डजन लैंड नंबेल रद फ्लोटिंग केरेवास इन लद्दाख रीजन ऑन ग्लेशियर एंड माउंटेन फाउंड, तो यहीं पर इन्होंने कश्मीर और लद्दाख के बारे में बता दिया। Plows used are made of wood and iron and are driven by animals. So wood या फिर iron के बने होते हैं और उनको animals ही आगे लेके जाते हैं, लेकिन आजकल tractors का use किया जा रहा है मतलब हमारी fields को proper plowing के लिए। tractors वो motor vehicles होते हैं जिनसे कि heavy machinery यानी कि plows या drills इन सब को move कर सकते हैं। plows को क्या किया जाता है, soil के according choose किया जाता है, अगर मिट्टी hard है तो थोड़ा sharp होना चाहिए, अगर मिट्टी dry है तो वो बड़े बड़े टुकड़े में बन जाएगी अगर हम ज़्यादा करेंगे, तो मतलब अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग किस्म की हमारे जो plows हैं उनका यूज़ किया जाता है। दिस हैव टू बी, अगर हम लोगों की बात करते हैं ड्राई सॉइल की, अगर हम उसको तोड़ेंगे ट्रैक्टर वाले से ना, तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े से टुकड़े यानी टुकड़े मतलब चंक्स क्या होते हैं, बेसिकली चंक मीन्स सॉइलेड पीस, चंक का मतलब होता है सॉइलेड पीस यानी कि सॉइलेड पीस में वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब सॉइलेड पीस में अगर टूट जाएंगे इसका मतलब है कि उसको फिर से हमें प्रॉपर क्रशर में उसको लेके जाना पड़ेगा। सो सॉइल में गेट इरोडेड बाय विंड एंड वाटर, इरोजन हो सकता है इस सॉइल को, हमें प्रॉपर लेवलिंग करनी चाहिए, वुडन लेवलर्स आते हैं प्लांट यानी कि टिम्बर जो एक प्लांट होता है उसका पीस की मदद से करना चाहिए, अगर ये करते हैं तो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी मतलब इक्वल रहती है, फिर सॉइल अगर हम प्रिपेयर करके रखते हैं पहले से उसकी प्रॉपर प्लोइंग करते हैं सो उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत यूजफुल है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड रिड्यूसेस इट्स फर्टिलिटी, अगर हम कंटिन्यूसली कल्टिवेशन करते जा रहे हैं मतलब लगातार हम किसी चीज़ को एक जगह में जैसे मक्की उगाई फिर अगले टाइम वापस मक्की उगा दी या मतलब कंटिन्यूसली हमें कभी ना कभी हमारे खेतों को खाली भी छोड़ना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अपनी जो फर्टिलिटी उन्होंने खोई है वो वापस से रिटेन कर पाएँ। एंड अर्थ फॉर्म्स आर नाउन टू प्लो द सॉइल, जो अर्थ फॉर्म्स यानी हमारे कीड़े मिलते हैं हमें मिट्टी में जो छोटे छोटे स्नेक्स टाइप होते हैं मतलब जैसे स्नेक का बेबी स्नेक हो गया उस टाइप में होते हैं वो क्या करते हैं हमारी मिट्टी को प्लो करते में भी बहुत हेल्प करते हैं, वो अपने बिल्स यानी कि हम अपने घर बना देते हैं वहाँ पे फिर वहाँ पे वो उनकी थोड़ी बहुत हवा जो है प्लांट्स को मिल जाती है। सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, अब सीड्स भी हमारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के अगर पेरेंट सीड होगा तो आगे जो उनका मतलब यंग प्लांट होगा वो भी अच्छा ही होगा। सो आफ्टर द लैंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सीड्स आर सिलेक्टेड फॉर सोइंग, सीड्स टू बी सोन मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड ऑल्सो रेजिस्टेंट टू डिजीजेज, तो क्या होना चाहिए कि हम बोलते हैं ना हमारा इम्यून सिस्टम पहले नंबर तो किसी बीमारी को अंदर आने अगर आने दे तो अगर आने भी दे पहले नंबर तो वो आने ना दे, अगर आने भी दे तो वो उसको किल कर दे, तो पहले होने चाहिए कि वो पहले तो उनमें पहले नंबर पर उनमें कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए और दूसरे नंबर है कि उनको डिजीज़ को मतलब एक कवच हम बोलते ना कवच होना चाहिए उनका एक स्ट्रांग उनका इम्यूनिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके उनको प्रॉपर उनकी एक मतलब उसमें पकड़ हो कि वो क्या करते हैं किसी डिजीज को अंदर नहीं आने देते। सीड्स शुड बी वेबल फॉर जर्मिनेशन, वेबल मतलब कि सीड्स कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन मतलब अच्छे सीड होने चाहिए जो कि जर्मिनेशन कर सकते हैं मतलब प्लांट जो नया प्लांट उसमें उग सकता है। द सीड जो है वो एक हेल्दी प्लांट से ही हमें लेना चाहिए, एक सड़ा हुआ प्लांट है उसका सड़ा हुआ सीड आप ले रहे हो इज इट पॉसिबल, वहाँ से तो हमारा नया प्लांट नहीं उग सकता, तो गुड क्वालिटी के होते हैं वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से आपको मिल जाते हैं। सो रिमेंबर द वर्ड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। सो सोइंग देर आर टू मैथड्स ऑफ सोइंग, दो मैथड होते हैं, हमने पिछला ट्राइबल द्वीक वाला चैप्टर में वो डिस्कस किया था ट्राइबल्स के वीक के बारे में, वो सिर्फ स्कैटर कर देना
और एक होता है रोज़ बनाना और फिर हमें वहाँ पे अपने जो सीड है उनको लगाना। तो मैं एक बार फिर ही प्रेजेंट कर देती हूँ, लाइक दिस एनी फील्ड इज देयर, दिस एनी फील्ड इज देयर। तो यहाँ पे एक फील्ड में उन्होंने क्या किया, रोज़ बनाई, प्रॉपर रोज़ बनाई, फिर यहाँ पे छोटे छोटे करके वहाँ पे सीड उन्होंने लगा दिए। ठीक है, एक तरफ क्या करना, एक तरफ बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग कर देना, कोई रोज़ नहीं बनाना, बस अपनी मर्जी से जहाँ दिल किया वहाँ पे हमारी जो फसलें थी उनको, मतलब जो हमारे सीड्स थे उनको स्कैटर कर देना। तो क्या हो रहा है कि आजकल ब्रॉडकास्टिंग ही होती है बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में आजकल, तो वो हाथों से भी ब्रॉडकास्टिंग करने में अलसाते हैं और उन्होंने भी मशीन्स बना ली उसके लिए। इवन वैन इट इज़ ब्रॉडकास्ट, इट इज़ सोन बाय अ मशीन कॉल्ड ब्रॉडकास्टर, जो कि हमारी लॉन्ग ऊपर यानी कि सील को होल्ड करने वाला एक उनके पास मशीन होती है, स्पिनिंग डिस्क होता है, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि जैसे वो नीचे उसमें घुसता जाए, उसका जो प्लो है मतलब जो ड्रिलर है जैसे वो ड्रिल करते हैं उसी के, जैसे जैसे वो घुसता जाए उसी के कुछ मतलब एक्शन के थ्रू क्या हो जाए, हमारा सीड भी स्कैटर हो जाए। सो बॉटम ऑफ द होपर कंट्रोल रेट गेन उन्होंने बताया भाई जिस तरह से वो होता है। सेकेंड मैथड होता है सीड ड्रिल्स की मदद से करना, या आजकल वाइडली बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। और सिंपलेस्ट जो सीड ड्रिल है उसमें एक वर्टिकल ट्यूब होता है जिसमें एक सीड बॉल होता है जिसमें सीड्स होते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं प्रो से टाइट कर देते हैं, मतलब टाई मतलब बांध देते हैं। फिर फार्मर क्या करता जाता है धीरे धीरे जो मतलब जैसे जैसे वो करते जाता है वो धीरे धीरे बॉल में ही जो उसकी कटोरी या बॉल कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है उसमें सीड डालता जाता है और जैसे वो घूमता जाता है तो वैसे वैसे क्या होता है सीड भी स्कैटर होते जाती हैं। द कंट्री प्रो इज ऑफन अडॉप्टेड टू द लाइन स्विंग, तो आजकल लाइन स्विंग मतलब कि लाइन बाय लाइन, जैसे हम पहले ब्रॉडकास्टिंग करते थे आजकल एक प्रॉपर लाइन में स्विंग करने का आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा। देर आर नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सीड ड्रिल, अगर सीड ड्रिल की बात करते हैं उसमें बहुत मॉडिफिकेशन और प्रिंसिपल ये सभी में सेम ही है, मतलब कि ज़्यादातर जो आजकल हमारा चल रहा है मैथड वही कॉमन मैथड चल रहा है इंडिया में, दिस इज दिस वे ब्रॉडकास्टर एंड सीड ड्रिल। सो दिस पिक्चर यहाँ पे यानी फिगर यहाँ पे उन्होंने दी हुई है किस तरीके से ये जो आदमी है यहाँ पे ये काम कर रहा है। फिर है रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी, अभी हम क्या करते हैं कुछ पौधे होते हैं ना हम लोग खुद नहीं उगाते उनके सीड नहीं होते, हम लोग को लाने पड़ते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पनीरी, क्या बोलते हैं पनीरी। इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड मैनी वेजिटेबल्स द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ नर्सरी बेड अंडर द ग्रेट केयर ऑफ द फार्मर सो दैट दे आर नॉट डैमेज एंड ओनली आफ्टर अ सर्टेन स्टेज दे आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड। क्या होता है चावल देखेंगे अभी, चावल के आप कभी क्या बीज फेंकते हो, नहीं फेंकते, वहाँ पर प्रॉपर प्लांट लगाते हो। सो ये फिगर आपकी स्क्रीन में वापस सेव आएगी जिसमें आपको देख पाओगे कि कैसा होता है बेसिकली। सो कल्टीवेशन यानी कि धान की खेती, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल जैसे कि ब्रिंजल होता है या कुछ और भी होता है, पहले हम उनके प्लांट छोटे छोटे उगाते हैं नर्सरी बेड में, नर्सरी बेड मतलब कि जो प्रिपेयर्ड प्लॉट उनका होता है जिसमें वो उगाते हैं, उसके बाद उनकी बहुत केयर करते हैं, सर्टन एज के बाद फिर उनको वो मेन फील्ड में जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर ज़्यादा अमाउंट में करना होता है वहाँ पर वो ले जाते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब कि द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज नाउन एज ट्रांसप्लांटिंग। तो क्या होता है जो वो प्रैक्टिस जैसे हम सीडलिंग यानी कि सीड को क्या कर सके नर्सरी से कहाँ लेके जा सके मेन फील्ड में लेके जा सके उसको ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। सो अभी आप मेरे को फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि सीडलिंग क्या होता है, मैं आपको आते जाते तो मैं बता ही दूंगी कि क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सीडलिंग बेसिकली अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं बता देती हूँ क्या होता है यंग प्लांट। सीडलिंग का मतलब होता है यंग प्लांट, यंग प्लांट मतलब कि जो हमारा उन्होंने सर्टन एज तक उगाया होता है तो वो नर्सरी से मेन फील्ड में लेके चल जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या करता है एक बेटर एक पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेशन जिसको हम बोलते हैं एक अच्छा एक पकड़ हो जाती है, फिर वो प्लांट जब वो लगाते हैं उनको एक अच्छा पता होता है कि भाई अब उगा हुआ है तो हम उसको थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा और वो उग जाएगा। ट्रांसप्लांटिंग इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स, अब ये कॉमन हो चुका है। अब अगर बात करते हैं राइस की और बहुत सारी वेजिटेबल्स की, सो बिफोर ट्रांसप्लांटिंग द मेन फील्ड इज अप्रोप्रिएटली प्लोड एंड मैनवर्ड। सो क्या होता है कि करेक्टली अच्छे तरीके से अब उसको प्लो करना पड़ता है, फिर प्रॉपर डिस्टेंस को प्लांट्स के बीच में रोज में मतलब जैसे कि मैंने बताया ये कोई भी हमारा फील्ड था यहाँ पे इस तरीके से रोज़ बनाई जाती हैं, फिर यहाँ पे हम राइस को वो लगा देंगे जो सीडलिंग होगा यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे रोज़ में। फिर क्या होता है प्रॉपर डिस्टेंस रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है बताती हूँ कैसा नहीं है, ऐसा नहीं होता एक प्लांट यहाँ पे लगाया उसके साथ चिपका के लगा दिया फिर एक 200 किलोमीटर कहीं दूर लगा दिया फिर एक यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। किसमें जो आपकी ट्रांसप्लांटिंग होती है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटिंग प्रॉपर डिस्टेंस कैपेबल बिटवीन द प्लांट्स एंड रोज टू इनेबल द प्लांट्स टू रिसीव सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर फॉर पैडी द मेन फील्ड इज ऑल्सो फ्लोडेड विद वाटर। देखा आ गया होगा आपने जहाँ पे भी चावल उगते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी भरा होता है, कोई तालाब है वहाँ
पे. सीड शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल. एक प्रॉपर डेप्थ होती है, ऐसा नहीं होता अगर आपने ये डेप्थ है मतलब यहाँ पे आप पौधे उगा रहे हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ बेसिकली डेप्थ, तो आप यहाँ पे बस यही सॉइल को टच करो, पूरा उसको डेप्थ तक लेके जाना होता है. सो यहाँ पे ऊपर इन्होंने बताया अभी ये ट्रांसप्लांटिंग, देखिए इनके जो पाँव हैं, जो भी यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, इनके जो पाँव हैं वो बिल्कुल पानी में है. दिस इज लुक एट दिस वाटर. सो यहीं पे पता चल रहा है कि उन्होंने बिल्कुल पानी भरा हुआ और ये प्लांट ये लगा रहे हैं, बिल्कुल कोई सीड नहीं लगा रहे थे और नॉट पुटिंग ऑन एनी सीड या कुछ बोल सकते हैं आप. सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, मतलब सिंपल था वीडियो, ये चैप्टर तो सिंपल ही है. सो गाइस अगले जो हमारे टॉपिक्स कुछ बचे हैं वो अगले वीडियो में और उसके अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे हम लोग. एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर आपको लगा कि कहीं भी मेरे से मिस्टेक हो गया कुछ भी, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं. वीडियो पसंद आया तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप.